यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के विवित्सिया शहर पर एक के बाद एक 3 मिसाइल अटैक किया है। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के सावरकर पर दिए एक बयान पर भाजपा के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने भी एतराज जताया है। राहुल गांधी ने बुधवार को अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। बोले कि सावरकर ने डरकर अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार विमर्श के बाद ही 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जैन को 30 मई को ED ने गिरफ्तार किया था। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 554 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1010 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 11 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 64,15,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.94 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से साझा किए गए हैं। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 218 सीटें जीत ली हैं। अब अमेरिकी सांसद के लोअर हाउस में रिपब्लिकन का कंट्रोल होगा। इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बने रहने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। एम्प्लॉयज़ को भेजे गए ईमेल में मस्क ने लिखा है, कर्मचारी को एक सफल ट्विटर 2.0 बनाने के लिए बहुत परिश्रमी होने की ज़रूरत होगी, साथ ही सफलता के लिए देर तक काम और उच्च क्षमता दिखानी होगी। बीते दिनों की तेजी के बाद आज सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना 201 रुपए सस्ता होकर 52,893 रुपए पर आ गया। सराफा बाजार में चांदी 1,294 रुपए लुढ़ककर 61,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 230 अंकों की गिरावट के साथ 61,750 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक बढ़कर 18,343 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में गिरावट रही।